वेरी गुड मॉर्निंग डियर टीचर्स, आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि क्लास टेंथ का जो रिजल्ट बनना है उसकी सारे जो स्कोर कार्ड है वो किस प्रकार से बनेंगे, मतलब सब्जेक्ट वाइज स्कोर कार्ड हम कैसे बनाएंगे, फिर कंसोलिडेट शीट कैसे बनाएंगे, उसको जो परसेंटेज में चेंज करना है मतलब जो वेटेज में चेंज करना है वो चेंज कैसे करेंगे, इस सारा तरह का कैलकुलेशन, साथ ही मॉडरेशन कैसे करेंगे, इन सारे प्रकार के जो कैलकुलेशन है वो आज मैं बताने वाला हूँ। उन सारे कैलकुलेशन की जो शीट है यानी कि स्कोर कार्ड है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, सारे फॉर्मेट जो होते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, आपके बहुत काम का रहेगा ये। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको जो टेस्ट एग्ज़ाम कंडक्टेड है, आपने अपने स्कूल में कितने प्रकार के एग्ज़ाम कंडक्ट किए, तो सभी स्कूल्स ने कम से कम 3 टाइप के एग्ज़ाम कंडक्ट किए हैं। एक तो है यूनिट टेस्ट, ठीक है, जिसको हम पीरियडिक टेस्ट भी बोलते हैं। दूसरा हमारे पास है मिड टर्म या जिसको हाफ ईयरली टेस्ट बोलते हैं। और फिर होता है प्री बोर्ड, जो कि एक स्कूल बेस्ड होता है, और एक आपका समुदाय बोर्ड या जिसको कहते हैं बोर्ड के हिसाब से होता है। इस प्रकार के 3 जो एग्ज़ाम हैं वो सारे स्कूल्स करवाते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम इसका जो सेकंड पार्ट है यहाँ पे, ये देखिए नंबर ऑफ टाइम्स कंडक्टेड द एग्ज़ाम, क्या आपने ये एग्ज़ाम एक से ज़्यादा बार करवाया है, मतलब यूनिट टेस्ट या जिसको पीरियडिक टेस्ट कहते हैं, क्या आपने एक से ज़्यादा बार यानी 2 या 3 बार करवाए। तो बहुत सारे स्कूल क्या करते हैं कि PT1 PT2 मतलब पीरियडिक टेस्ट 1 और पीरियडिक टेस्ट 2 यानी 2 बार करवाते हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं 2 टाइम, हमने हमारे स्कूल में 2 टाइम करवाए। हाफ ईयरली या मिड टर्म जो होता है वो एक ही बार करवाते हैं, तो हम लोग इसमें लिख देते हैं 1। और प्री बोर्ड है वो बहुत सारे स्कूल में 1 टाइम होता है, किसी में 2 टाइम और किसी में 3 टाइम भी होते हैं, तो हमारे स्कूल में 3 टाइम हुए थे तो इसलिए मैंने इसमें लिख दिया 3, ठीक है। अब इसमें क्या टाइमिंग दिया गया था, तो हमने टाइमिंग लिख दिया, जो यूनिट टेस्ट होता है उसके लिए हमने 1 आवर दिया था, जो हाफ ईयरली मिड टर्म होता है उसको हमने 2 आवर्स के लिए रखा था, और जो प्री बोर्ड होता है वो फुल फ्लैश होता है, मतलब पूरा उसमें सिलेबस आता है, इसलिए वो 3 आवर्स का था। इस तरह से इस पहली वाली जो आपके पास टेबल है उसको इस तरह से फिल करना है। ये जो अभी है 30 40 10 30 40, ये मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालते हैं, ठीक है। सपोज़ करिए आपके ये जो एग्ज़ाम है वो आपने जो यूनिट टेस्ट है वो 2 टाइम लिए हैं और प्री बोर्ड आपने 3 टाइम लिए हैं। अब इसमें से हमको इस लिस्ट में डालना है चीज़ें, तो कैसे डालें, इसके कुछ तरीके होते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, एक तो बेस्ट परफॉर्मेंस, एक लिखा एवरेज और एक लिखा वेटेज एवरेज, एक ही बात है। तो आप कौन सा तरीका यूज़ करना चाहते हैं, आप बेस्ट ऑफ 2 लेना चाहते हैं, बेस्ट ऑफ 3 लेना चाहते हैं, या फिर उसका एवरेज लेना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके स्कूल की जो रिज़ल्ट कमेटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी वाला जो चीज़ है वो उसको फॉलो करें। सपोज़ करिए मैं किसी स्कूल की कमेटी का टीचर हूँ, मतलब मेरे रिजल्ट कमेटी का एक मेंबर हूँ, तो मैंने क्या करा कि बेस्ट वाला जो है वो मुझे ठीक लगा तो मैं बेस्ट वाला चूज़ कर रहा हूँ। मतलब ये यूनिट टेस्ट जो हुए थे 2, उसमें से जिसमें बच्चे के ज़्यादा मार्क्स आए वो मैं पिक कर लूँगा। इसी टाइप से जो प्री बोर्ड में, जिस भी प्री बोर्ड में उसके ज़्यादा मार्क्स आए थे वो मैं पिक कर लूँगा, मतलब बेस्ट वाला मैं पिक कर रहा हूँ, ठीक है। किसी स्कूल में हो सकता है कि वो एवरेज करे, तो एवरेज के लिए क्या करेंगे, जैसे यूनिट टेस्ट 2 हुए थे PT1 और PT2, उन दोनों मार्क्स को आपको ऐड करना है। जैसे सपोज़ करिए PT1 में आपके आए थे 10 मार्क्स और PT2 में आपके आए 20 मार्क्स, इस तरह से आपके होगा 30 मार्क्स। अब इसका एवरेज निकालना है तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये जाएगा 15 मार्क्स, मतलब आपके 15 मार्क्स आए PT1 PT2 मिला के एवरेज। इस तरह से आप सारे के एवरेज निकाल लीजिए। तो या तो आप ये वाला काम करिए या फिर उसमें से बेस्ट निकाल लीजिए, आपको ये वाला कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से आपको बेस्ट को पिक करना चाहिए। तो ये तो हो गए आपके दोनों टेबल, इस तरह से आप फिल कर सकते हो। लेकिन इसका जो स्कोर कार्ड है वो कैसे बनेगा उसका फॉर्मेट मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए ये एक फॉर्मेट है जिसमें आपको वो बच्चे के जो मार्क्स आए हैं जो हमने लिए थे अभी बेस्ट 1 वाला, वो मैं यहाँ पे पुटअप करना है। सपोज़ करिए कि जो आपका टर्म 1 जो यूनिट 1 है उसमें यूनिट 1 यूनिट 2 मिला के जो आपने बेस्ट निकाला था उसमें से किसी बच्चे के 40 में से 30 नंबर आए, किसी के 25 नंबर आए, किसी के 30 नंबर आए, इस टाइप से। और जो टर्म है, टर्म तो एक ही लिया था, टर्म एक में हो सकता है 80 में से उसके 70 मार्क्स आए हों, किसी के 75 आए हो, किसी के 45 हो, इस टाइप से मार्क्स आए। इसी तरह से जो प्री बोर्ड आपने लिए थे, 3 प्री बोर्ड लिए थे, उनमें से किसी जो बेस्ट वाला प्री बोर्ड था उसमें से उन बच्चों के जो 80 में से मार्क्स आए हैं वो हो सकता है कि 40 आए हो, 60 आए हो, 70 आए, इस टाइप के जो मार्क्स आए हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। ये पहली स्टेप है आपकी, जबकि आप अपने अगर बेस्ट चूज़ किया है तो आप इस तरह से उसके मार्क्स लिखेंगे, बेस्ट अगर चूज़ किया है तो।
लेकिन बेस्ट चूज़ नहीं किया आपने तो किस तरह से करेंगे, देखिए ये आपकी दूसरी दूसरा फॉर्मेट है। अगर आपने बेस्ट चूज़ नहीं किया तो कैसे करना है, मान लीजिए आपके PT1 के और PT1 दो टेस्ट हुए, यानी कि जो पीरियडिक टेस्ट है वो आपने दो लिए हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे PT1 प्लस PT2 डिवाइडेड बाई 2, यानी यहाँ आपको क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा। हो सकता है किसी बच्चे के पहला PT जो है उसमें 30 मार्क्स आए हों और दूसरे वाले में उसके 20 मार्क्स आए हों, तो हो जाएगा 50 मार्क्स, और 50 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 25, तो 25 मार्क्स आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, PT1 PT2 दो आपके टर्म PT1 PT2 दो आपके पीरियडिक टेस्ट हुए थे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करिए, वो आपके मार्क्स यहाँ पे लिख देंगे। अगर आप एवरेज लेके चल रहे हो तो, बेस्ट लेके चल रहे हो तो पिछला वाला यूज़ करना है, अगर एवरेज से चल रहे हो तो आप इस टाइप से करेंगे। टर्म तो आपने एक ही बार लिया था तो जो भी आपका मार्क्स आगे वो लिख देंगे। इसी टाइप से अब आपने प्री बोर्ड 3 ले लिए, कोई एक लेता कोई दो लेता कोई कोई 3 भी लेते हैं, तो तीनों प्री बोर्ड के आपको मार्क ऐड कर देना। हो सकता है पहले वाले प्री बोर्ड में आपके मार्क्स आया हो 60, दूसरे में आया हो 60, तीसरे में भी आया हो आपके 60। सपोज करो ऐसे 3 मार्क्स आए हैं तो इनको ऐड करोगे तो आप आ जाएगा 180, 180 को 3 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका 60, तो आपको 60 लिखना है यहाँ पे। इसी तरह से हर बच्चे के साथ इस टाइप से करना है। ठीक है, ये होता है एवरेज। अगर आपने एक से ज़्यादा एग्ज़ाम लिए हैं एक ही टाइप के और आप चाहते हो कि एवरेज मार्किंग हो तो आप इस तरह से करेंगे, अदरवाइज जो मैंने पिछला भी आपको फॉर्मेट बताया था उसमें डायरेक्ट एक ही बार यानी जो बेस्ट होगा वही लिख दीजिए, आपका ये फॉर्मेट तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए अभी तो मैंने क्या लिखा, ये 30-50 लिखा, लेकिन ऐसा तो हमें एग्ज़ाम में चाहिए नहीं, हमें तो फर्स्ट जो PT है उसका हमको 10% चाहिए, यानी 10 वेटेज चाहिए, जो हमारा टर्म है उसका हमें 30 का वेटेज चाहिए, और जो हमारा प्री बोर्ड है उसका 40 का वेटेज चाहिए। तो इसको किस प्रकार से करते हैं ये अब मैं बताता हूँ। इसके लिए देखिए अगला फॉर्मेट है। अब मैंने क्या करा कि यहाँ पे PT1 मतलब जो PT में मैंने मार्क्स लिए थे, चाहे वो मैंने एवरेज करके निकालो तो भी या फिर मैंने बेस्ट निकाला तो भी, तो मैंने सपोज करिए मेरे स्कूल में वो PT जो एग्ज़ाम है वो 40 मार्क्स का हुआ है, अपन ऐसा मान लेते कि PT जो एग्ज़ाम है वो 40 मार्क्स का हुआ था, उस 40 मार्क्स में से बच्चे के जितने भी नंबर आए हों, सपोज़ करिए 40 मार्क्स में से बच्चे के आए 30 मार्क्स, तो मैंने यहाँ 30 लिख दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 30 का 10 का वेटेज निकालना है इसमें, 30 में से कितने का वेटेज निकालना है, 10 का, कि अगर 10 का एग्ज़ाम हुआ होता तो कितने मार्क्स आते हैं, यानी 10 का वेटेज बोलते हैं इसको। अब इसको कैसे निकालते हैं, इसको निकालने के लिए जो तरीका है वो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, जितने भी नंबर आपके आए हैं उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए या 0.25 से इंटू कर दीजिए, यानी कि आप क्या करेंगे, ये जो 30 मार्क्स आए हैं इसको आप 4 से डिवाइड करिए या 30 मार्क्स को 0.25 से इंटू कर दीजिए, एक ही बात है, जो भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मार्क्स कितने आ जाएंगे, 7.5 मार्क्स के आपके आ जाएंगे। ठीक है, अगर 10 का हुआ होता तो 30 मार्क्स आते हैं। अब चलते हैं मिड टर्म में। मिड टर्म में 80 में से आपके आए मान लीजिए 60 मार्क्स, 80 में से कितने मार्क्स आए, 60 मार्क्स आए हैं। अब 60 का आपको 30 का वेटेज निकालना है, 60 में से कितने का वेटेज निकालना, 30 का, आपके आए कितने 60, ये मार्क्स आए हैं आपके 60, इसका निकालना 30 का वेटेज, और पेपर कितने का था, 80 का था। ये आपका इसका फार्मूला हो गया, ये हो गया यानी कि ऑब्टेंड मार्क इंटू 30 अपॉन टोटल मार्क्स, ये इसका फार्मूला बन जाता है। इसको हम डिवाइड कर देते हैं, जो भी आपका आंसर आएगा वो लिख देंगे हम यहाँ पे। ये आपके पास आ गया 22.5, ये मार्क्स आएंगे किसके, उस बच्चे के, अगर 60 मार्क्स उसके आए हैं तो अगर उसका 30 का वेटेज निकालेंगे तो इतने मार्क्स आएंगे। ठीक है, अब आप चलते हैं प्री बोर्ड के ऊपर। प्री बोर्ड में बच्चे के मान लीजिए आ गए आपके पास 60 मार्क्स आए प्री बोर्ड में और उसको 40 का वेटेज निकालना है, फिर से आप कोई वही फार्मूला लगाएंगे सेम टू सेम, यानी कि आप करेंगे 60 मार्क्स इंटू कितने का निकालना है आपको, 40 का वेटेज निकालना है, और पेपर कितने का था, 80 का, तो आप फिर से काट दीजिए आप ये। ठीक है, यानी कि 30, तो उसके कितने मार्क्स आएंगे, 30 मार्क्स आएंगे। ठीक है, ये है सब फार्मूले। अब आपके हर क्वेश्चन, आपके हर बच्चे के लिए ये फार्मूला लगाएंगे क्या, नहीं, आप डायरेक्ट इसमें ही यानी कि जो शीट है उसी के अंदर फार्मूला लगा दीजिए। अब मैं वो फार्मूला बताता हूँ कि फार्मूला कैसे आपको लगाना है। ठीक है, देखिए मुझे 10 का वेटेज चाहिए, तो यहाँ पे देखो फार्मूला आपको मिल जाएगा ऊपर, देखिए यहाँ पे फार्मूला लिखा है, ये फार्मूला है, क्या लिखा, ई 4 इंटू 0.25, ये किसके लिए है, ये है PT के लिए, P
पीटी वन जब निकाल रहे हैं, पीटी के जब कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो आपको ये वाला फार्मूला यहाँ पे पुटअप कर देना है, तो आपको अपने आप वेटेज यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे फार्मूले की। दूसरे फार्मूला देखिए यहाँ लिखा है जी फोर इंटू 0.375। ये डायरेक्ट फार्मूला है। जी फोर मतलब देखिए ये मिड टर्म है, मिड टर्म का जो आपका एड्रेस है वो एड्रेस क्या है, ये देखिए जी वाली कॉलम है और कौन सी रो है, ये फोर्थ रो है, इसलिए इसका नाम है जी फोर। जी फोर का इंटू किससे किया हमने, 0.375 से। इस तरह से ये एड्रेस लगा, ये फार्मूला लगा के और ये एड्रेस लिख देना, आपका अपने आप फार्मूला यूज़ हो जाएगा। इसी टाइप से थर्ड वाला जो बचा है, जब प्री बोर्ड के लिए लगाओगे तो फार्मूला आपको ये मिलेगा। इसमें लिखा है, आप देखिए प्री बोर्ड कहाँ लिखा है, यहाँ पर, और इसका देखो क्या है, ये आई है, और इसका यहाँ पे जाके देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, फोर मिलेगा, तो आई फोर हो गए। आई फोर में किसका इंटू कर रहे हैं, 0.5 का। इस तरह से आप इन सारे फार्मूला लगा के डायरेक्ट कर सकते हो, या फिर जो मैंने पहले कैलकुलेशन बताया आप वैसे कर सकते हो। तो वैसे करोगे तो आपको हर बच्चे करना पड़ेगा, या एक बार फार्मूला लगाओगे सारे कॉपी कर दोगे, अपने आप सबके ऊपर ही वो अप्लाई हो जाएगा। इस टाइप से आप इस शीट को बना सकते हो। ये है इंडिविजुअली, ये शीट जो है इंडिविजुअली है, हर सब्जेक्ट वाइज टीचर को ये अपनी शीट बनानी रहेगी, और सभी जितने भी 5 सब्जेक्ट है, सभी 5 सब्जेक्ट वाले टीचर को ये शीट तो बनानी है। ठीक है, इस तरह का फॉर्मेट तो आपको बनाना ही पड़ेगा। चलिए, तो हमने इंडिविजुअल तो सारे फॉर्मेट बना लिए, सारे जो हमारे स्कोर कार्ड है वो बन गए। अब हमको इसको कंसोलिडेट करना है, यानी सारे सब्जेक्ट को मिला के एक बनाना है, तो उस पर चलते हैं हम लोग, वो किस प्रकार से बनाएंगे। तो देखिए ये है आपका कंसोलिडेट शीट, वो कैसे बनते हैं वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए ये कंसोलिडेट शीट, यहाँ पे लिखा है इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ये 5 सब्जेक्ट लिखे। इन 5 सब्जेक्ट के 80 में से कितने मार्क्स आए थे, जो इसकी पिछली वाली शीट है उसमें 80 में से आपको मार्क्स मैंने मार्क्स बताए थे उसमें। देखिए ये प्रीवियस शीट है, इसमें आपने जो पीटी और मिड टर्म और प्री बोर्ड के जो मिला के यहाँ पे 80 में से जो मार्क्स लाए थे, 80 में से सब बच्चों के जो मार्क्स आए थे, वही मार्क्स आपको अगली वाली शीट में फिलअप करना है, हर बच्चे के, हर सब्जेक्ट के। ठीक है, तो वो नेक्स्ट वाली जो है उस पर चलते हैं अब हम। ये हमारी फाइनल शीट है, यानी कंसोलिडेटेड शीट। यहाँ पे देखिए लिखा है इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल साइंस। इन 5 सब्जेक्ट के मार्क्स जो आपने पिछली शीट में फिलअप किए थे वो सारे यहाँ पे कॉपी कर देना है, क्योंकि वो सारे 80 में से थे, ये भी 80 में से सारे मार्क्स आप यहाँ पे फिल कर देंगे। इस तरह से आपकी कंसोलिडेट शीट बन गई है 5 सब्जेक्ट की सभी बच्चों के लिए। लेकिन अब बात आती है 6 सब्जेक्ट की, जो छठा सब्जेक्ट है जिसको हम कंप्यूटर के रूप में लेते हैं। किसी किसी स्कूल में 7th नंबर का सब्जेक्ट भी है और 8th नंबर का सब्जेक्ट भी है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि 6th नंबर के सब्जेक्ट के मार्क्स कैसे हम कंप्यूट कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेशन उसका कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं किसी बच्चे का। ये कोई बच्चा है, इसका नाम है अभिषेक। ठीक है, एक बच्चा अभिषेक है, उसका जो इंग्लिश में उसके मार्क्स आए थे 60, हिंदी में उसके मार्क्स आए थे 70, मैथ्स में उसके मार्क्स आए थे 70, साइंस में उसके मार्क्स आए थे 55 और सोशल साइंस में उसके मार्क्स आए थे 45। ठीक है, ये उसके मार्क्स है किसी बच्चे के। अब हमको क्या करना है, इस 5 सब्जेक्ट में से 3 ऐसे सब्जेक्ट चूज़ करना है जिनमें मार्क्स हाईएस्ट हो, यानी जिसमें मार्क्स ज़्यादा हो। तो देखिए आपको यहाँ पे 3 सब्जेक्ट ऐसे मिलेंगे, ये देखो ये 3, जिसमें इसके मार्क्स इन दोनों से ज़्यादा हैं, यानी 70 और 60, ये मार्क्स है इसके। तो हम इन्हीं 3 को पिक करते हैं। ओके, तो 70 + 70 140 और 60 कितना होता है, 200। तो यहाँ पे हो जाएगा 200, यानी कि बेस्ट ऑफ 3 का जो आंसर आया वो कितना आया, 200। अब हमको निकालना मीन इसका। मीन कैसे निकालेंगे, ये 200 जो मार्क्स है वो कितने लोगों का है, वो आपका है 3 सब्जेक्ट के मार्क्स है, यानी 3 सब्जेक्ट के, तो इसको आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि आपको 200 को 3 से आप डिवाइड कर दीजिए, 200 को 3 से, तो आप क्या लिखेंगे, 66.6 यही आएगा। जब 200 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो यही आंसर आएगा, 66.6। ओके, अब ये तो होगा मीन, लेकिन अब कंप्यूटर में उसके कितने मार्क्स आएंगे आउट ऑफ 50, अगर ये सब मार्क्स है तो आउट ऑफ 50 कंप्यूटर में कितने मार्क्स आएंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो मीन मार्क्स आए यानी कि 66.6 आए हैं, इसमें आपको 50 से इंटू करके 80 से डिवाइड करना है, 50 से इंटू करके 80 से डिवाइड, या आप ये भी कर सकते हो 66.5 × 5/8, ये भी कर सकते हो, यानी उसके प्लेस पे आप ये भी लिख सकते हो
66.6 इंटू 5/8 ऐसा भी कर सकते हो, इस तरह से भी आंसर निकाल सकते हो। लेकिन हम इतनी कैलकुलेशन क्यों करें, जब हमारे पास डायरेक्ट फार्मूले हैं तो हम फार्मूले का यूज़ करते हैं। चलिए मैं आपको फार्मूला बताता हूँ, इसमें आपको फार्मूला क्या यूज़ करना है। देखिए वेस्ट ऑफ थ्री का अगर फार्मूला देखते हो आप, तो वेस्ट ऑफ थ्री का फार्मूला आपको मिलेगा, बहुत ही टफ फार्मूला, थोड़ा सा देख लीजिए आप। ये वेस्ट ऑफ थ्री का फार्मूला यहाँ पे देखिए, ये लिखा है वेस्ट ऑफ थ्री का फार्मूला। आपको देखना नहीं, आपको डायरेक्ट फार्मूला लगाना, वो अपने आप कैलकुलेशन हो जाएगा उसका। क्या लिखा है, इक्वल टू लिखा है, फिर लिखा है सम, फिर एक ब्रैकेट लगा है, इसके बाद लिखा लार्ज, फिर एक स्मॉल ब्रैकेट लगा है, फिर लिखा ई फोर, फिर आई फोर, फिर एक स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट लगा है, 1 2 3 स्मॉल ब्रैकेट स्मॉल, और ये इतने सारे ब्रैकेट लगे हैं। इस तरह का अगर आप फार्मूला यूज़ करोगे, ये फार्मूला अगर आप यहाँ लिखोगे, तो ये बेस्ट ऑफ थ्री अपने आप आ जाएगा, आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो हो गया आपका बेस्ट ऑफ थ्री निकालने का फार्मूला। ठीक है, अब हम दूसरे फार्मूले पे चलते हैं, यानी कि मीन निकालने के लिए फार्मूला। मीन निकालने का फार्मूला तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया कि जो भी आपका वेस्ट ऑफ थ्री आएगा उसको थ्री से डिवाइड कर देना, वो आपका मीन का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, जो फाइनल मार्क्स वाला जो फार्मूला है वो भी बहुत ईजी है। जो मीन आ जाए, मीन जो भी आए, जैसे मीन का मैंने एम लिख दिया है, मीन का एम इंटू आप 5/8 कर देंगे, वो आपका फार्मूला बन गया। देखो कैसे एड्रेस इसका पता करते हैं, यहाँ पे देखिए ये मीन जो मार्क्स है वो कहाँ पे लिखे हैं, के ऊपर लिखे हैं, यहाँ के लिखा है, और इसके सामने अगर हम देखेंगे तो लिखा है यहाँ पे 4, यानी कि आपको लगाना पड़ेगा इक्वल टू के 4 इंटू 50/80। ये देखिए फार्मूला लिखा है, इस तरह से आप लगाओगे तो यहाँ पे वो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से फार्मूला लगा के आप इस शीट को बना सकते हो। किसी प्रकार का कोई कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, सारा कैलकुलेशन इसी में है। आप बस यहाँ पे फार्मूला लगाते जाइए, शीट अपने आप तैयार होती जाएगी, आपको बिना किसी मेहनत के ये शीट तैयार हो जाएगी, अगर आपने सही से फार्मूले अप्लाई किए तो। अभी तक हमने ये सीखा है कि 10% का वेटेज कैसे निकालेंगे, हम 30 का वेटेज कैसे निकालेंगे, हम 40 का वेटेज कैसे निकालेंगे, और उनके थ्रू ही फार्मेट में कैसे हम स्कोर कार्ड यानी कि हमारा जो फार्मेट फिल करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने सीख लिया। अब हमको ये देखना है, हमने और साथ में हमने ये भी सीख लिया कि 6th नंबर का जो सब्जेक्ट है उसके मार्किंग कैसे करेंगे। 6 सब्जेक्ट, 7 सब्जेक्ट और 8 सब्जेक्ट, ये तीनों का ही जो तरीका वो एक जैसे ही, जैसे आपने कंप्यूटर के लिए किया वैसे ही आप दूसरे दो सब्जेक्ट के लिए कर सकते हो, अगर आपके स्कूल में ऐसा है तो। तो ये तो हो गया पूरा काम, यहाँ तक हमने स्कोर कार्ड भरना सीख लिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं मॉडरेशन पे कि किस प्रकार से मॉडरेशन कर सकते हैं। तो इस टेबल से मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से आपको मॉडरेशन करना है। सपोज़ करिए मेरा जो बेस ईयर है मेरा 2019 में मेरे स्कूल में जो स्ट्रेंथ थी वो थी 150 की स्ट्रेंथ थी, और उस 150 के हिसाब से ये सारे बच्चे का परसेंटेज आया था, मतलब 26 से लेस देन 0% लिखा है। इसका मतलब ये है कि 2019 में मेरे इधर कोई भी बच्चा ना तो उसको कंपार्टमेंट आई थी, ना ही कोई फेल हुआ था, इस कारण से उस कैटेगरी में कोई बच्चा नहीं होगा, तो वहाँ लिखेंगे 0%। ठीक है, ज़रूर नहीं कि आपके साथ भी यही कंडीशन हो सकता कोई बच्चा कंपार्टमेंट आ गया हो, सप्लीमेंट्री आ गई हो या फेल हो गया, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, 1% 2% जितने भी है वो मिलेगा। और ये वाली जो शीट है, ये वाली जो पूरी शीट है वो आपको बोर्ड देगा, ये शीट बोर्ड प्रोवाइड करवाएगा आपको, और ये आज ही आ जाएगी, यानी कि 10 मई को ये सारे स्कूल में इस प्रकार की शीट आ जाएगी, तीनों साल की, यानी 3 ईयर को उन्होंने बोला है कि पिछले 3 साल की आपको लेना है, तो उस 3 साल में जो भी ईयर आपके स्कूल का सबसे अच्छा रिजल्ट रहा वो ही आप पिक करेंगे। ठीक है, देखिए पिछले 3 साल की जो बात करिए, कौन कौन से 3 साल हो सकते हैं, वो 17-18 एक, तो एक 18-19 और एक हो जाएगा 19-20। ये 3 ईयर में से जिस ईयर में भी आपके स्कूल का रिजल्ट सबसे अच्छा आया हो उसी को आप पिक कर लेंगे। मेरे स्कूल में 2019 का जो रिज़ल्ट है वो सबसे अच्छा आया था, इसलिए मैं इस ईयर को पिक कर रहा हूँ। उस ईयर के हिसाब से बोर्ड ने मुझे ये डाटा प्रोवाइड करवाया, ये डाटा बोर्ड ने मुझे प्रोवाइड करवाया है, इस डाटा के थ्रू मैं इस साल का जो रिज़ल्ट है वो तैयार करूँगा। अब वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए अब मान लेते हैं ये तो बोर्ड ने मुझे सभी स्कूल में ये सेंड कर दिया है, सब स्कूल में ये चीज़ मिल गई। अब इस साल यानी कि 2020-21 में मेरे पास 160 बच्चे हैं, पहले मेरे पास कितने थे, 150 बच्चे थे, उस हिसाब से ये डाटा आया था। अब मेरे पास है 160 बच्चे, अब 160 बच्चे को किस तरह से मैं यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, अब मेरे पास
लेस देन 26, क्योंकि 2019 में मेरे पास कोई भी बच्चा कंपार्टमेंट वाला नहीं था, तो 0% है। इट मीन्स मुझे 0% मतलब यहाँ कोई बच्चा नहीं आएगा, 0 स्टूडेंट आएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर मैं 160 का 0% निकालता हूँ तो 0 आता है, इसलिए मैं 0 लिख दूंगा। अब अगला है 26 से 40 नंबर, 26 नंबर से 40 नंबर के बीच में कितने बच्चे आए ऐसे, तो वो मेरे पास कितना है, 15% है। तो मैं क्या करूँगा, 15 × 160/100, ये मैं उसके परसेंटेज निकालूंगा, तो मेरे पास ये आएगा 24 बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं 26 से 40 के बीच में मार्क्स दे सकता हूँ, ठीक है। अब आते हैं 40 से 50 के बीच में, कितने परसेंट बोला उन्होंने, 25% बोला था, तो यहाँ लिखता हूँ मैं 25 × 160/100, 25 × 4 = 44, यानी कि मेरे पास कितने बच्चे आए, 40 बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं 40 से 50 तक के मार्क्स दे सकता हूँ, ओके। अब चलते हैं हम 50 से 60 वाले बच्चे के पास, वो ऐसे बच्चे कितने हैं, 10% है केवल, तो यहाँ लिखता हूँ मैं 10 × 160/100, इट मीन्स यहाँ पे आएगा ओनली 16 बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं 50 से 60 मार्क्स दे सकता हूँ। अब आए हैं 60 to 70, ये कितने परसेंट बच्चे हैं, 20% बच्चे ऐसे हैं, तो मैं लिखता हूँ ये 20 × 160/100, तो कितने बच्चे आएंगे ऐसे, 32 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मैं 60 से 70 मार्क्स के बीच में उनको दे सकता हूँ। अब आए हैं 70 to 80, ठीक है, तो यहाँ उसके कितने परसेंट है, 30% है, इट मीन्स मैं लिखूँगा 30 × 160/100, इट मीन्स ये कितना जाएगा, 48। तो 48 बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं 70 से 80 नंबर दे सकता हूँ। इस तरह से मैंने सारे बच्चे का निकाल लिया कि किस कैटेगरी में कितने बच्चे मेरे साथ मेरे इस साल आ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास इस साल 160 बच्चे हैं, उस हिसाब से मैंने ये सारा कैलकुलेशन आपको करके बता दिया। कभी कभी हो सकता है कि 160 आपके पास नहीं हो, 165 हो, 162 हो, तो पॉइंट में आएगा, तो आप उसको एडजस्ट कर लेंगे पॉइंट वाले को, ठीक है, यानी कि 0.25 आ रहा है तो उसको पीछे ले जाएंगे, 0.65 आ रहा है तो उसको आगे ले जाएंगे, इस तरह से वो एडजस्ट हो जाएगा। वैसे भी आपको मालूम है इसे प्लस माइनस 2 कर सकते हैं, तो आगे पीछे कर सकते हैं इसको। अब सुनिए, यहाँ पे एक बात है, आपको लग रहा है कि यार ये 48 बच्चे मेरे इस कैटेगरी में आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ यहाँ 50 बच्चे आ जाए, मैंने मतलब दो बच्चे में यहाँ पे इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ये बोल दिया गया है कि आप 2% प्लस माइनस टू कर सकते हो, यानी दो को आगे पीछे कर सकते हो, दो कम भी कर सकते हो, दो बढ़ा भी सकते हो, तो कम तो हम करेंगे नहीं, हम बढ़ाएंगे इस शहर, तो 48 बच्चे जहाँ पर हैं मैं चाहता हूँ 50 कर लूँ, तो 50 आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपने दो बढ़ाए हैं तो इधर से आपको दो कम करना पड़ेंगे, आप किसी में से दो कम, जैसे यहाँ 32 आ रहे थे, यहाँ पे आप 30 कर सकते हो, इस तरह से आप मॉडरेशन इसका कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो आपका परसेंटेज है वो कम नहीं होना चाहिए, एवरेज जो है वो उतना ही रहना चाहिए जितना कि है। आप मार्किंग में कर सकते हो इंडिविजुअल में, लेकिन जो ओवरऑल है उसमें आप नहीं कर सकते, जितना है उतना ही आपको रखना पड़ेगा, और वो आपको बोर्ड देगा लिखकर कि कितना आपका एवरेज है, एवरेज खुद बोर्ड लिख के देगा, सब्जेक्ट वाइज भी लिख के देगा और ओवरऑल भी स्कूल वाइज भी लिख के देगा कि आपके एवरेज क्या है। तो जो सब्जेक्ट वाइज है उसमें तो आप कर सकते हो, लेकिन स्कूल वाइज जो आपका एवरेज है वो आपको वैसे का वैसे ही रखना है। तो ये था सारा कैलकुलेशन, जिस कैलकुलेशन के थ्रू आप ये सारा काम कर सकते हो। मुझे लगता है कि मैंने शायद सही तरीके से आपको बताया है, अगर फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हो, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।